Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the channel. So title से आप लोगों को दो चीजों का अंदाजा हो चुका होगा. पहला कि ये वीडियो किस बारे में and इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी. So yes, I tested positive. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि मुझे क्या क्या हो रहा था, मेरे सिम्टम्स क्या क्या थे. So यूं तो कहा जाता है कि कोविड अगर होता है तो आप 14-15 दिन में ठीक हो जाते हो, लेकिन मुझे तकरीबन एक महीना लग गया ठीक होने में. मुझे सबसे पहले फीवर हुआ था 23 अगस्त को एंड ये मैं रिकवर होते होते ऑलमोस्ट एक महीना हो गया 23 सितंबर तक, जो कि मेरा बर्थडे था. तो 23 सितंबर के बाद मैं काफ़ी फिट फील करने लगा था, मैं काफ़ी रिकवर हो चुका था. सो मूविंग बैक टू 23 अगस्त, सो 23 अगस्त को मुझे रात को थोड़ा बहुत फीवर हुआ. तो आजकल जब फीवर भी होता है ना तो बहुत टेंशन सा हो जाता है एकदम. तो मुझे रनिंग नोज भी था, तो मैं इतना श्योर था कि रनिंग नोज भी है इट मीन्स मुझे कोविड नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था, कहीं पे लिखा था कि अगर आपको रनिंग नोज भी है तो आपको कोविड नहीं है. सो हेंस प्रूव एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट इज नॉट ट्रू. तो रनिंग नोज था तो मैं काफ़ी चिल था कि मुझे कोविड नहीं है. लेकिन उसके बाद मैं जनरल मेडिसिन लिया जो फीवर में लेते हैं, लेकिन उसके बाद मेरा फीवर उतरता था, लेकिन वही है कि 3-4 घंटे तक फीवर ठीक रहता था एंड उसके बाद फिर से मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता था और बहुत वीकनेस हो जाता था. मतलब मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस हो जाता था मैं अपनी आँखें भी नहीं खोल पाता था, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं होता था बेड से उठने का. एंड इनफैक्ट एक मतलब उसके 2-3 दिन बाद तो ऐसा हो गया था कि मैं मुझे वॉशरूम भी जाना होता था, लेकिन मैं मुझे इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं खुद से उठ के जा सकूँ. और ऐसे सिचुएशन में कोई रहता भी नहीं है कि जो आपको उठाकर मतलब आपको हेल्प कर दे चलने में और आपको ले जाए वहाँ तक. तो ये सब परेशानियाँ थी मेरे साथ. एंड आगे बढ़ते हैं 23 के आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो 24-25 को मुझे फीवर था, मैं सोचा कि बस ऐसी थोड़ा बहुत हो रहा है ठीक हो जाए कोई बात नहीं है. लेकिन क्या हुआ कि 26 को मैं जब नहा कर आया तो मुझे मैं डीओ लगा रहा था तो मुझे स्मेल नहीं आया. तो फिर मैं 100% श्योर हो गया कि ये अब सीरियस है एंड फिर मैं अपने घर में सबको बताया कि ऐसा ऐसा है, मुझे स्मेल नहीं आ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स. तो फिर हम लोग पता लगाया कि कैसे जाकर कोविड का टेस्ट कराया जा सकता है या फिर कोई घर पर आके कर सकता है या नहीं. तो हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि घर पे आके टेस्ट नहीं होगा, आप या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हो या फिर आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ पर आपको टेस्ट कराना होगा. ये मैं भुवनेश्वर की बात बता रहा हूँ, दूसरे सिटीज़ में ऐसा है फैसिलिटी कि आपके घर पर आकर टेस्ट करते हैं. तो हम लोग यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए टेस्ट कराने के लिए एंड वहाँ ऐसा है कि आप डायरेक्टली जाकर अपना कोविड का टेस्ट नहीं कर सकते हैं. अगर आप कोविड का टेस्ट कराना चाहते हो तो आपके पास डॉक्टर का एक प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए जिसमें डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हो आपको कि इनका कोविड टेस्ट होना चाहिए. तो अब उसके लिए मुझे एक उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को दिखाना पड़ा, डॉक्टर फिर वहाँ पे प्रेस्क्राइब किया कि इन्हें कोविड टेस्ट करना है. फिर मेरा कोविड टेस्ट हुआ वहाँ पे, उसका रिजल्ट वो लोग बोले कि 72 आवर्स के बाद मिलेगा. तो 72 आवर्स के बाद मेरे को रिजल्ट मिला एंड ऑब्वियसली वो पॉजिटिव था. जैसे कि मैं लाइफ में हमेशा रहता हूँ पॉजिटिव, आप सबको भी रहना चाहिए, लेकिन कोविड के केस में नेगेटिव रहो, बाकी हर चीज़ में पॉजिटिव रहो. ओके उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह थी तो वो डॉक्टर से कंसल्ट किए और उन्होंने हमें मेडिसिन वगैरह दिया. मेडिसिन के साथ साथ मैं घर का बना हुआ काढ़ा पी रहा था. अगर काढ़ा की रेसिपी आप लोगों को चाहिए कि कैसा बनता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो मुझे. काढ़ा पी रहा था मैं, मेडिसिन ले रहा था एंड उसके साथ खाना खाने से पहले मैं स्टीम भी लेता था, उसमें विटामिन ई की गोली डालकर स्टीम लेता था. तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल थी, रिकवर तो मैं हो गया. और ऊपर वाले की दया है कि मैं उतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, मुझे सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, थोड़ी बहुत होती थी, मैं पूरी सांस नहीं ले पाता था. मतलब जैसे कि आप इनहेल करते हो फिर एक्सहेल करते हो तो मैं इतना लंबा सांस नहीं ले पाता था, मैं बस थोड़ा सा सांस ले पाता था और फिर उसको एक्सहेल करना पड़ता था मुझे, क्योंकि मुझे चेस्ट में हल्का सा पेन होता था. तो ठीक है, उतना ज़्यादा मैं वल्नरेबल नहीं था. तो डॉक्टर ने कहा कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं घर पे ही क्वारंटीन था. एंड उसके बाद मेरे पापा को भी थोड़ा बहुत फीवर होने लगा था और मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरी बहन भी रहती हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब सबका टेस्ट कराना ही पड़ेगा. तो अभी कैसा था कि हम लोग होम क्वारंटीन में थे, हमारे घर से कोई बाहर जा नहीं सकता था, तो टेस्ट होगा कैसे. तो हम लोगों ने यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उनको बहुत बार ट्वीट किया, फोन किया, वो लोग फोन पे डिटेल्स लेते थे लेकिन घर पे आके कोई टेस्ट नहीं कर रहा था. तो हम लोग बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ट्वीट किए, रिप्लाई उस पर बहुत लोग रीशेयर किए, तब जाके वो लोग फाइनली घर पे आए और बाकी 3 लोगों का भी टेस्ट किए, सब लोग पॉजिटिव थे. लेकिन मेरी बहन को और मेरी मम्मी को फीवर वगैरह नहीं था, लेकिन उन लोगों को वीकनेस था एंड मुझे और मेरे पापा को फीवर वीकनेस सब कुछ था. इनफैक्ट इसके बीच में आपके साथ क्या हो जाता है ना कि आप एक तो बहुत वीक हो जाते हो पहले से ही, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उठने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है एंड उसमें जो ये मेडिसिन होती है ना उनकी वजह से लूज मोशन हो जाता है.
तो मतलब एक तो आपको उठने का मन नहीं हो रहा है, ऊपर से आपको शरीर मजबूर कर रहा है आपको बार बार उठने के लिए। मतलब इट वॉज रिडिकुलस। मैं इतना हेल्पलेस और इतना वीक अपने लाइफ में कभी फील नहीं किया जितना मैं इस उस 15-20 दिन में किया हूँ। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आदित्य बहुत ट्रैवल कर लिया होगा, इधर उधर घूम रहा होगा, उसकी वजह से हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जिस दिन मुझे फीवर हुआ था 23 अगस्त को, उसके जस्ट एक दिन पहले मैं और मेरे पापा फ्रूट्स लेने के लिए बाहर गए थे, तो होपफुली हमें लगता है कि वहां से ही कुछ हुआ है, क्योंकि और तो हम लोग बाहर निकलते ही नहीं थे बिल्कुल भी, हम लोग सब घर में ही रहते थे। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फ्री घूम रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया है, रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल गए हैं, आप बाहर घूमो जितना करना है जो करना है, कुछ लॉकडाउन नहीं है, तो बहुत सारे लोग बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करें प्लीज, क्योंकि गवर्नमेंट ने खोल दिया, इट डजंट मीन कि केसेस बाहर नहीं है। जब 1000 केसेस पर डे आ रहे थे तब हम लोग दिन भर घर में रहा करते थे, और अभी 100,000 केसेस पर डे आ रहे हैं और हम लोग बाहर घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा आप लोग मत सोचो कि बहुत सारे लोगों को कोविड होता है और ठीक हो जाता है। ठीक है, ठीक हो जाता है, लेकिन आप तो ठीक हो जाते हो, लेकिन आप किसी और को दे देते हो, किसी एल्डरली पर्सन को ट्रांसफर कर देते हो जिनका सांस लेने में प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं शायद मेरे पापा को ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन यहाँ पे फिर से हम लोग लकी थे कि मेरे पापा को भी ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, उन्हें भी सांस लेने में उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं थी, जबकि वो 60+ हैं, फिर भी वो भी ठीक ठाक थे, वो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। स्टिल हम लोग घर में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह मंगा के रख लिए थे कि इन केस अगर मुझे या मेरे पापा को कभी कुछ इमरजेंसी रात को होता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे चारों ओर से। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग रिस्क मत लीजिए। अगर जिनको सिम्टम्स नहीं आते हैं उनके लिए थोड़ा ठीक है, वो बस थोड़ा वीक वीक फील करते हैं, और कुछ लोगों तो वीकनेस भी नहीं होती है, वो एकदम बिंदास रहते हैं, 14 दिन क्वारंटीन और फिर ठीक हो जाते हैं, तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो वर्स्ट फीलिंग होता है। मतलब वो जो 7-8 दिन आपको जो फीवर रहता है ना, मतलब आप मेडिसिन खाओगे आपको लगेगा कि अरे वाह मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन उसके जस्ट 2-3 घंटे बाद फिर से आपको फीवर आ जाएगा। इनफैक्ट एक दिन तो ऐसा आया था, मतलब मैं इतना परेशान हो चुका था अपने फीवर से कि मैं शाम को मम्मी को बोला कि मम्मी अब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा इतना वीकनेस और इतना, ये मेरे से होगा नहीं। मैं बिल्कुल ही होप छोड़ चुका था, मुझे लग रहा था कि अब ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रह गया, मैं मेडिसिन खाऊंगा फीवर ठीक होगा, फिर से मुझे फीवर होगा, मैं दिन भर वीक ही रहूंगा, मैं और कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत टेंशन में आ गया था। मैं मम्मी को बोला मम्मी और मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं मुझे नहीं लगता मैं रिकवर हो पाऊंगा। बट उस दिन के बाद से ही आई डोंट नो क्या हुआ, वो माँ का प्यार था या माँ की प्रार्थना थी, उस दिन के बाद से ही मैं रिकवर होना शुरू हो गया और बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया। यही था मेरा कोविड का एक टोटल एक्सपीरियंस एक तरह से कर कह लो। और एक चीज, मैं उन फ्रेंड्स एंड फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो लोग ऑलमोस्ट डेली फोन करके हाल चाल पूछते थे कि कैसा है। कुछ कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मुझे डेली कॉल करते थे, टेक्स्ट करते थे कि भाई कैसा है अंकल, कैसे हैं, ऑल दोस थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। एंड उन सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे लिए ग्रॉसरी लेकर आ जाते थे। अगर आप लोग नहीं होते तो ये हमारा जो क्वारंटीन था हमारे फैमिली का, ये इतना सफल नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस, एंड दिल से शुक्रिया। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हैंडल मैं डाल दूंगा यहाँ कहीं और डिस्क्रिप्शन में भी है। आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज अगर जरूरी नहीं है तो बाहर बिल्कुल ना जाएं, और मास्क यहाँ पे नहीं, नाक और मुंह दोनों कवर होना चाहिए, एंड ध्यान रखें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, घर बैठ के मोटे ना हों। मैं हो गया था, फिर मैं कोविड की वजह से पतला हो गया, तो मैं अभी फिर से मोटा हो रहा हूँ। ओके, एनीवेज, तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना। फिट एंड फाइन हो चुका हूँ एंड सारी चीज़ें ट्रैक पर ऑलमोस्ट आ चुकी हैं, तो हर वीक एक वीडियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर नहीं आता है तो प्लीज़ मेरे को परेशान कर देना कि भाई वीडियो, तो वैसे प्रेशर बना रहता है। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पीस, एडियोस।